रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिणी उत्तर प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहां से होता हुआ झारखंड से क्रॉस करते हुए दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में स्टैंड कर रहा है। इसके प्रभाव का असर झारखंड के मानसूनी गतिविधियों पर आने वाले 3 दिन 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक तेजी पड़ने की संभावना है। 14 सितंबर यानी आज से 16 सितंबर तक झारखंड राज्य के सभी स्थानों पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं चेतावनी की बात की जाए तो आने वाले 3 दिनों में गर्जन और वज्रपात के साथ साथ भारी बारिश की भी संभावना है। संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि 14 सितंबर यानी आज झारखंड प्रदेश के दक्षिणी और मध्य भाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं झारखंड के पश्चिमी और उसके मध्य के कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इन आने वाले दिनों में निम्न दबाव के क्षेत्र के असर में झारखंड में मानसूनी गतिविधियां बढ़ेगी। संभावना 14 तारीख में भी जताई जा रही है कि दक्षिणी और जो मध्य भाग है वहाँ पे आपको कुछ जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है, खासकर जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं 14 तारीख में। 15 तारीख में पश्चिमी जो इलाके हैं झारखंड के और उसके साथ में जो मध्य के इलाके हैं वहाँ पे कुछ जगह पे आपको भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो अभी आने वाले दिनों में क्यों जो निम्न दबाव का क्षेत्र है उसके असर में झारखंड में मानसूनी गतिविधि थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा नीचे में है जो कि आपका दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्रा के पास में है, तो ज़्यादा असर उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बट क्योंकि लो प्रेशर बनेगा तो झारखंड में भी मानसूनी गतिविधि में तेजी आएगी। और अभी तक मानसून के बारे में बात करें तो अभी तक जो वास्तविक वर्षापात है वो 593.3 मिलीमीटर हुआ, जबकि इस अवधि का जो सामान्य वर्षापात है वो 899.6 मिलीमीटर है। और जो विचलन है डिपार्चर है -34% है। 3 जिले अभी सामान्य की कैटेगरी में चल रहे हैं जो हैं गोड्डा साहिबगंज सिमडेगा, और 3 जिले हैं जो सामान्य के एकदम आसपास में हैं जो कि है पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, और 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है मानसूनी बारिश, और 1 जिला है चतरा जहाँ सामान्य से काफ़ी कम मानसूनी बारिश देखने को मिला है। तो कुल मिला के ये है कि अभी जो सिस्टम के प्रभाव में आपको जो मानसूनी गतिविधि है अब वो थोड़ी सी बढ़ती भी हाल के दिनों में देखने को मिलेगी, और गर्जन वज्रपात के साथ में कुछ जगहों पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। धन्यवाद। वहीं अभी तक के मानसून की स्थिति के बारे में रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि अभी तक का वास्तविक वर्षापात 593.3 मिलीमीटर हुआ है, जबकि अभी तक का सामान्य वर्षापात 899.6 मिलीमीटर है और विचलन 34% है। 3 जिले गोड्डा साहिबगंज सिमडेगा सामान्य वर्षा कैटेगरी में चल रहे हैं। वहीं 3 जिले पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां सामान्य वर्षा के आसपास चल रहे हैं। 17 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम मानसूनी बारिश अब तक देखने को मिली है, एवं 1 जिला चतरा ऐसा है जहां सामान्य से अत्यधिक कम बारिश देखने को मिली है।